हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हम ब्रिजटेक चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि आप सब एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर, हेडर एंड फुटर के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो ये पेज का हेड सेक्शन होता है, यहाँ पे हेडर डाला जाता है, और ये जो पेज का लास्ट सेक्शन है मतलब अंतिम भाग, यहाँ पे फुटर डाला जाता है, ठीक। और हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा कि इंसर्ट मेनू में हमें कोई भी चीज़ जब इंसर्ट करनी होती है तब तो हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं, ठीक ना। तो इंसर्ट मेनू में ये देखिए ऑप्शन है हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक। जब हमको सिर्फ पेज नंबर डालने की ज़रूरत होती है तो ये पेज नंबर पर क्लिक करते हैं, और इसमें हमको क्या क्या ऑप्शन देता है, टॉप ऑफ पेज, तो पेज में किस साइड पे जाते हैं, सबसे पहले कि लेफ्ट साइड, सेंटर में और राइट साइड, या कि हम चाहते हैं वन पहले आए फिर पेज लिखा है और लेफ्ट साइड में रहे। इसी तरह से हम पेज नंबर जहाँ पे चाहते हैं वो कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज का मतलब होता है कि पेज के निचले भाग, तो इसके लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट साइड में, या पेज वन पहले हो पेज बाद में, ठीक। इसी तरह से पेज मार्जिन, पेज मार्जिन का ये मतलब होता है कि हम पेज के किस हिस्से में रखना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में पेज लिखा हुआ आना चाहिए कि राइट साइड में, कि बॉटम के लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब कि ये खड़ा मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से होना चाहिए, ठीक। करंट पोजीशन, जो करंट पोजीशन होती है वो मतलब जहाँ पे कर्सर रहता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर में वन, वन पेज की पेज वन, ठीक। ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं कि नंबर चाहते हैं कौन सा नंबर, रिमूव पेज नंबर, यदि आपको पेज नंबर का फॉर्मेट अपने से बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं आप, ठीक। ये कैसे बना सकते हैं, ये देखिए ये सारे दिया हुआ है, स्टार्ट डेट कहाँ से कैसे करना है, ठीक। हम इसे अभी कट कर देते हैं, ये चीज़ नहीं। और अगर आप कोई पेज नंबर, जैसे मैंने ये वाला पेज नंबर ऐड कर दिया, ये देखिए हेडर में आ गया और फुटर भी आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे हेडर फुटर में अभी हम कुछ लिख नहीं सकते, मतलब उस हिसाब से जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से नहीं लिख सकते। अब हमको यही चीज़ हटाना है, ठीक। तो इंसर्ट में जाके वही पेज नंबर पे जाके रिमूव पेज नंबर कर देंगे, तो पेज नंबर हट गया। और ये हेडर फुटर का कोई ज़्यादा मीन्स नहीं है क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। हेडर के ऊपर जो लिखेंगे वो हेडर में रहेगा, जो फुटर के नीचे लिखेंगे वो फुटर में। तो जब आपको, हाँ, जब हमको फुटर चाहिए तो फुटर में भी ये ऑप्शन होता है कि टेक्स्ट टाइप करके लिख दें। ये देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट टाइप आ गया फुटर में, और यहाँ पे इसे हम डिलीट करके यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। यही चीज है। और दूसरी बात, इसमें फुटर में और एक बहुत सारी सुविधाएं दिया हुआ है, हम तीन बार लिखना चाहते हैं वही चीज़ तो तीन बार आएगा, हम तीन बार लिख सकते हैं वही चीज़, ठीक। और फिर इसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि लाइन के साथ लिखना चाहते हैं तो ये लाइन भी आएगा, और टेक्स्ट लिख सकते हैं, और पेज नंबर भी देगा, हर पेज में अलग अलग पेज नंबर देगा, ठीक। और फिर इसके बाद इसमें और ऑप्शन क्या है, ये लाइन के बाद सिर्फ लाइन देगा और वन बस लिखा आएगा। एडिट अपने से बना सकते हैं आप फुटर, रिमूव कर सकते हैं फुटर, ठीक। इसी तरह हेडर में है, हेडर भी सेम फुटर जैसे कि जैसे लाइन, टाइटल, डॉक्यूमेंट, ईयर, ईयर भी आप एक बार लिखेंगे वो बढ़ता जाएगा, चाहेंगे तो चाहे तो घटता जाएगा। ये देखिए सारे ऑप्शन, कौन सा मंथ, कौन सा डे, क्या आप चूज करना चाहते हो, सारी डिक्लेरेशन हेडर एंड फुटर में दी गई होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हेडर एंड फुटर और पेज नंबर देने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिजाइन वाले में मिल जाएंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ऑप्शन हैं, पोजिशन हैं, किस पोजिशन पर आप रखना चाहते हैं, क्लोज हेडर एंड फुटर, आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो क्लोज एकदम फर्स्ट जैसे पेज आ गया, ठीक। इसका भी कोई मीन्स तो है नहीं, बस जब आप हेडर फुटर समाप्त कर देंगे तो समाप्त हो जाएगा। सेंटर चाहते हैं तो ये सेंटर के लिए है, और इसी तरह से जब आप इंसर्ट करने के बाद इसमें और कई ऑप्शन दिए हैं मैं बता देता हूँ। जैसे आप ये डिजाइन में जाएंगे, प्रीवियस सिलेक्शन, नेक्स्ट, आप जो पहले से सिलेक्ट किए हैं वो, कि नया अगला जो सिलेक्शन करेंगे, गो टू हेडर, ये देखिए जब आप फुटर में रहेंगे तो हेडर के लिए देगा, और गो टू फुटर तो गो टू फुटर में ले जाएगा, ठीक। क्लिप पार्ट, पिक्चर, व्यू पार्ट, डेट एंड टाइम भी आप रख सकते हैं, ये देखिए 4/10/18, ये सारी मतलब जानकारियाँ, ये यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है जो जानने वाले वाले,
पेज नंबर, ये वही ऑप्शन जो आपको वहाँ मिल रहा था इंसर्ट मेन्यू में, वो यहाँ आउट करा गया। हेडर फुटर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये आज बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया, और आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो F1 क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक, ये हेडर एंड फुटर, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ ये प्रिंट प्रीव्यू पे कैसे दिखेगा। ये देखिए आप जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे भी आप ये हेडर फुटर लगाएंगे, देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पे ये डिलीट करके ब्रिज टेक लिख दिया, वैसे तो आप पहले अपने से भी लिख सकते हैं ये चीज़, लेकिन ये हर पेज में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस एक बार लिख दिए मतलब वो हर पेज में दिखे। अब ये देखिए इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ कि प्रिंट होने के बाद आपको ये कैसे दिखेगा, ठीक ना। ये देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है वो तो है ही, लेकिन जो मैंने लिखा ये हर पेज में आपको दिखेगा, चाहे जितने भी पेज आप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो ये हमारे पिछले वीडियोज में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वीडियोज डाले हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तुम्हें बनाऊंगा।